वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में अपन मतलब क्रेजी ब्लॉग होने वाला बहुत ज़्यादा हो। मतलब टाइटल और थंबनेल देख के तो आपने पता लगा लिया होगा कि अपन कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि उसे देख कर आप यहाँ आए हो। सो सब भी अपन रुके पड़े हैं ढाबे पे, देख सकते हो आप। सुबह अपन घर से निकल चुके थे 9:30 बजे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रास्ते में ब्लॉग बनाने का। जल्दी जल्दी में आए और अभी टाइम हो रहा है 11:30 बन चुके हैं। 9:30 बजे से निकले हुए, अभी अपनी डेस्टिनेशन 75 किलोमीटर और है एंड 280 किलोमीटर की टोटल। सो 200 तो हमने कवर कर लिया भाई, पूछो मत हालत हमसे। बुलबुल पे आए हम अपनी, वो भी अभी मैं बाहर जाके दिखाऊंगा, बाहर खड़ी हुई है। सो यहाँ मतलब वीडियो मतलब तो अच्छी बन गई थी, तो मैंने यहीं से वीडियो स्टार्ट कर, अकेला नहीं आया हूँ, मतलब आदमी किसी के साथ आया हुआ हूँ। मैं इससे मिलवाना चाहूँगा आपको, ये देखो आया हूँ मैं यही बंदे के साथ आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है भाई साहब? लक्ष्मण सिंह रावत। तो भाई बहुत अच्छी बाइक भगाता है, कभी भी इसके साथ राइड करना, ज़्यादा नहीं 150 किलोमीटर भाई, मतलब आंखों में से आंसू भी बह रहे थे। उसू। बाकी सेफली हम पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पे एक बार व्यू देखो भाई साहब, मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा गांव है आगरा। तो यार मतलब कोई अभी शायद अलीगढ़ में है, अलीगढ़ से हम जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे। अभी मतलब सुबह से हम भूखे थे, कुछ भी नहीं खाया था हमने सुबह से, और अभी अपन को बस भूख लग रही है। देख पूछा हमने दाल मखनी ऑर्डर करी है, बाकी तंदूरी रोटी। और भैया ठीक हो? ये हम अपन कहाँ पर रहते हैं? शास्त्री। अपन अभी शास्त्री में है, अलीगढ़ पीछे रह गया। मेरे को लगा हम अलीगढ़ में ही है। सो पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलते हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि मैंने क्या ऑर्डर करा था। पहले खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको गुरुकुल से मिलवाएंगे। सुबह में पता है कैसे पूरी किसमिस भी डाल रखी है भाई, इसीलिए महंगी दे रहे हैं। पूरी रात एक्साइटेड थे हम दोनों की, हम सोए भी नहीं है पूरी रात, और देख रहे हो कितना जोश में हम मतलब जा रहे हैं घूमने क्या। इसके बाजू में खोखा है, बाकी ये खड़ी हमारी बुलबुल जिससे अभी अपन आए, ये उनकी बुलबुल है, देख लो एक बार। हमारे हेलमेट इसी के ऊपर टंगे, दोनों हम हेलमेट पहन कर आए थे, और हेलमेट पहन के सिर में दर्द हो चुका है बहुत ज़्यादा, बालों की ऐसी तेजी हो चुकी है, पब बना कर आया था अपन। सो अभी आगे चलते हैं, उसके बाद आपको व्यू दिखाते हैं ताजमहल अंदर से कैसा होता है। बाकी मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर जा रहा हूँ, आई डोंट नो कैसा होगा, और ये भी नहीं पता मेरे को खुला हुआ है नहीं खुला हुआ। तो चलते हैं एंड देखते हैं। ओके सो गाइस, यहाँ से मतलब हम खाना खाने जब रुके थे तो हमने भी देखा हमारे टायर में एक छोटी सी कील घुसी पड़ी थी, तो उसमें हो चुका एक तरीके से समझ लो पिंचर नहीं था सही था मतलब, लेकिन फिर भी हम पिंचर लगवा रहे हैं उसमें, आगे जाके पता नहीं कि हो या ना हो। ये देख सकते हो आप हमारे बुलबुल में लग चुका है। सो आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है, पूरा एक्सप्लोर करना है सही करके। सो तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो सब चलते हैं एंड देखते हैं। I'm floating through outer space. I'm lost and I can't.
फाइनली अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। पार्किंग में अपनी बाइक लगा रहे हैं, देख सकते हो आप। यदि जो ये हमारी पार्किंग लग रही है, ओके तो गाइस हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और सुनने में आ रहा है यहाँ पर ऑफलाइन टिकट बुक हो रहा है, तो अभी अपन चल रहे हैं, चल के देखते हैं ऑफलाइन टिकट बुक होता है या नहीं। क्राउड तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि पार्किंग पूरी फुल पड़ी है। एंट्री करते पे ये मार्केट पड़ती है छोटी सी, देख सकते हो आप। ये दिल्ली में हर कहीं जाओ तो मार्केट मिलेगी, वैसे यहाँ पर भी मार्केट लगती है। सो ये है कुछ रास्ता, सो चलते हैं एंड देखते हैं। तो भीड़ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ये देखो आप एक बार रश देखो। ये सारी चेक पॉइंट पे आ गए हैं अंदर चेकिंग के लिए, ये टी वी है। सो भाई सो टिकट घर यहाँ पर है अपना, सो भी अपन टिकट लेते हैं एंड देखते हैं कितने का कितने। सो अब ऑफलाइन टिकट बाय करते हैं, बाकी ऑनलाइन भी है शायद। हाँ टिकट घर पे भी काफ़ी भीड़ है भाई, महिला 250 पुरुष 250 पुरुष 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 50 रुपीज़ का टिकट है, 50 रुपीज़ तो बनी मिलेंगे भाई। क्या करें फिर, यही है वो पसंद, यही 10 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, ये टिकट बुक कर देते हैं। लाइन का फ़ायदा, अगर लाइन का फ़ायदा उठाना है तो इनसे आके मिल लेना, ये आपको बाहर खड़े हुए मिल जाएंगे। 10 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, 50 रुपीज़ का टिकट है, 50 रुपीज़ का टिकट है, 60 रुपीज़ लेते हैं ये एक ये खड़े। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, देख लो एक बार। सोए हमारी टिकट मिल चुकी है हमें 60 रुपीज़ की, हमें एक टिकट पड़ी है क्योंकि हमने 10 रुपये एक्स्ट्रा दे के पे करी है। तो इस अभी अंतर चलते हैं एंड देखते हैं। सो वही इसकी एंट्रेंस में हमने एंट्री ले ली है एंड मेरा लेंस थोड़ा सा गंदा होगा। ओके सो गाइस फाइनली अपन ने एंट्री ले ली है, थोड़ा बहुत सुकून सा मिल रहा है। इतनी दूर से आए थे अपन एंड फाइनली अपन एंट्री अब ले चुके हैं। 5 बजे एंट्री, कितने बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं गाइस। रश देखो आप एक बार यहाँ पे, खतरनाक वाला रश हुआ बड़ा, एकदम दूर दूर से पब्लिक आई हुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ से। एंड एक चीज दिखाऊं, ये देखो, ओ भाई साहब इसके अंदर है वो राज। इसके 2 गेट है ना, एक गेट कहाँ से, 4 गेट है। ये क्या है, अच्छा जी भाई देख ले एक बार आई, इसके अंदर जाएंगे जब जन्नत ले रही है, जन्नत जन्नत जन्नत। शाम होने से पहले अपन को घर निकलना है, आई डोंट नो कि शाम होने से पहले अपन इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे या नहीं। ओ भाई नज़ारा देखो आप एक बार, दूर है। सो फाइनली अपन अपनी डेस्टिनेशन भाई, अभी वहाँ पे भी चलेंगे, अंदर ऊपर भी जाना है अपन को, देखेंगे क्या सीन है। बाकी हवा इतनी अच्छी चल रही है और रश तो भाई पूछो मत, इतना खतरनाक वाला रश हुआ पड़ा है भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए। अजान मुमताज के लिए ये बनाया था इतना बड़ा, शायद हम भी कभी बना सकें। सो भाई सो अपन भी बनाएंगे कभी अपनी मुमताज के लिए इतना, इससे बड़ा ताजमहल उसका नाम रख देंगे हम कुछ भी। ये इसका मेन गेट है, एंट्री गेट ये सारा, बाकी बहुत पढ़ाई। ये वाटरफॉल था दरा यहाँ पे, पर यहीं से देखेंगे अपन। और अपन का फर्स्ट टाइम है और एक्सपीरियंस बड़ा गहरा आ रहा है,
तो अभी वीडियो को लास्ट में बताऊंगा एक्सपीरियंस तो भाई साहब एक नंबर लग रहा है भाई मेरे को तो। बाकी इधर इनका छोटा शूट चल रहा है देख सकते हो आप, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको 50 रुपीज़ लेते हैं फोटोशूट करने के। तो गाइस अभी अपन वहाँ पे फोटोशूट कराया हमने, थोड़ा बहुत सारा फोटोशूट हमारा इंस्टाग्राम पे मिलेगा। तो ये भाई तो इंस्टाग्राम चलाते नहीं है और ये तो भाई चलाता हूँ इनके पास फोन ही नहीं है। सो भाई मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जाके जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना। मस्त मस्त बॉम बॉम पिक्चर से डाली है हमने भाई साहब, मेरे सामने इतना बड़ा ताजमहल है ना, मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं ताजमहल घूमने आया हूँ आज। बस पीछे यमुना बहती है तो अगर आई होप मैं देख सकूँ उसको, और देखी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। और मैंने आपको इनसे तो मिलाया नहीं, ये लक्ष्मण भाई के चाचा का भाई चाचा का भाई ये लक्ष्मण का चाचा का भाई है लक्ष्मण भाई का भाई है, यानी कि चचेरा भाई। पहले सबसे पहले जो आके रुके थे तो इनके घर पे ही रुके थे, क्योंकि अंदर को आके तो अंदर का रास्ता हमें पता नहीं था, आगरा को हम पहुंच गए थे बाइक से। मतलब नेक्स्ट लेवल क्राउड है, इतना क्राउड मैंने किसी जगह पे नहीं देखा होगा जितना क्राउड मेरे को यहाँ देखने को मिलता है। तो ये देखो ताजमहल, ओ भाई नेक्स्ट लेवल बातचीत। इसका 200 रुपीज़ का टिकट है, अभी अंदर ऊपर चल लेंगे तो देखेंगे। ओके सो गाइस 3:30 बज चुके हैं, हम यहाँ पर आ चुके थे 2:40 पर, और हमें घूमते हो चुके हैं 20 से 30 मिनट। तो अभी अंदर चलेंगे, इसके अंदर चल के जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करने के बाद जाएंगे हम अपने अपने घर। इतनी वीडियो आपने देखी है तो नीचे यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा के ग्रे कर लो, उससे आपका फ़ायदा है, क्योंकि मैं बढ़िया बढ़िया सी जगह जाता रहता हूँ और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जल्दी से उस बटन को ग्रे कर लो, और जो जो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता तो जाके जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना जो सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। एंड वैसे एक बात है, चारों तरफ से देखने में एक जैसा लगता है, ये चारों तरफ से देखने में बिल्कुल सेम लगेगा, खूबसूरती है ना भाई वो यहाँ पे आके देखने में ही है। वीडियो में तो मैं आपको ज़्यादा दिखा भी नहीं सकता इसकी खूबसूरती के बारे में, एंड भाई कुछ जवाब नहीं है इसकी खूबसूरती के बारे में, बहुत लाजवाब, जितनी तारीफ करे उतनी कम। ये रहा ताजमहल, ये रही यमुना नदी है, पता नहीं कौन सी नदी है, अभी नाम बताया तो मैं भूल गया, बाकी दिख रहे एक बार आप। मतलब मज़ा आ रहा है गाइस, यहाँ पे हमें थकान थी पूरे दिन की, वो यहाँ आके सारी उतर चुकी है। अब रील्स देखता हूँ बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क तो बिल्कुल आ नहीं रहे, अगर रील्स बना ली तो ठीक है, देखने को मिल जाएगी आपको। ये देखो पहले के ज़माने का बना हुआ, कितने साल पुराना, और इस पर डिज़ाइन देखो किस तरीके का हुआ है, आज के ज़माने में भी कोई क्या करेगा। और पत्थर का, ये बेसिकली 3 साइड है, 1, 2 और 3, और ऊपर जाएगा तो लगेगा नहीं है 3 साइड है, देखो ये 3 साइड, मतलब बहुत यूनिक टाइप का है। सो भाई देखो कितना हाँ तुम लग रहे हो रेस 3 के सलमान खान, रेस 4 में तुम्हें ही लेंगे। बाकी ये इसके अंदर का व्यू है, देख लो आप एक बार ब्रो, इनसाइड टिकट लेके इन्होंने फाड़ दिया, 200 रुपये बर्बाद कर दिए पूरे यार, जब इनसे फाड़ना ही था तो हमें दिलवाया ही क्यों। बाकी वो अपनी एंट्री ले रहे हैं दोनों, मैं तो आ गया अंदर,
से रख लेता हूँ सेफ में। इसके अंदर जाने के लिए 10 रुपये का ये अलग से लेना पड़ता है। ताजमहल के अंदर है भाई साहब, एक बार विजिट जरूर करना लाइफ में अपनी, क्योंकि बहुत अच्छा पैलेस है। एंड रश तो यहाँ पे हमेशा रहता ही है, बाकी ऑनलाइन टिकट भी है ऑफलाइन टिकट भी है जैसे मैंने आपको बताया था। सो ये तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटोशूट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस ये पूरी मीनार से देख सकते हो, इसमें एक ये गेट है ऊपर जाने का है, बाकी इसमें ताला लग रहा है। और ऐसी ऊपर भी एक गेट है, सीढ़ियाँ होंगी इसमें ऊपर जाने की, भाई काफ़ी चौड़ी है ये, देखी जाए तो देख लो एक बार। लंबाई का है ये भी लंबाई का। सो ये देखो जितने भी आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, सारे पब्लिक है, सभी लाइन में लग के बैग ले रहे हैं। ये देख सकते हो हमारा लक्ष्मण ब्रो बैग ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, भंडारा सा बट रहा हो अपने ही सामान के लिए। ओके सो गाइस फाइनली अपन ताजमहल भी घूम आया, मतलब एक वो होता है ना ड्रीम सा, वो पूरा हो चुका है। एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आपसे, मतलब नेचर से जुड़ी जो बातें होती हैं वो वहाँ पर सारी थी। तो भाई तुम्हें कैसा लगा भाई साहब? बहुत मस्त, मैंने तो कई बार देखा है, मेरा तो पास इनका तो घर के पास ही है, तो इनसे तो पूछना बेकार है क्योंकि इन्हें तो अच्छा ही लगता है, जब मर्जी उठ के आ जाते हैं। ओके सो मतलब आप एक बार विजिट ज़रूर करना, बाकी मेरे साथ में आपने भी देख लिया होगा और देख लिया हो यहाँ तक की वीडियो आपने, तो लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पे नया आया हो तो चैनल को यार जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो यार, और वीडियो शेयर कर दो कि ताजमहल ऐसा दिखता है, और फैला दो यार वीडियो को, मतलब समझ रहे हो ना, और सब्सक्राइब करो के ज़रूर जाना भाई साहब। मेरे बहुत सारे बंदे सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, भाई मेहनत लगती है, फ्री में देख लेते हैं, बस फ्री में ही देखना है, फ्री में ही देखना है, बस एक सब्सक्राइब करना है, नीचे रेड कलर का बटन होगा उस पर प्रेस कर दो, पैसे थोड़ी ना लगने तुम्हारे। ओके सो मतलब दिन में आए थे, अभी टाइम कितना होगा, 5 बज रहे हैं, जैसे मैंने बताया था 9:30 बजे के निकले हुए हैं, मैं ढाबे पे रुका था 12 बजे। ओके सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ यार मैं बोल नहीं रहा, बस कर दो जो करना है कर दो। सो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट बॉम्ब किसी कंटेंट के साथ में, बाय बाय, सब्सक्राइब, बाय बाय।